बीते कल एक ऐसा वाक्य सुंदरनगर सदर पुलिस के सामने आया। पुलिस को बस स्टैंड मंडी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशे के हालत में बस अड्डा पर सोया पड़ा है, तो उसके साथ एक 3 साल का बच्चा भी मौजूद है। जिस सूचना पर मुख्य आरक्षी अनिल कुमार मंडी बस स्टैंड पुलिस टीम के साथ पहुंचे और पाया कि नशे की हालत में एक व्यक्ति बेसुध है, जिसके साथ 3 साल का बच्चा भी है, जिसकी सूचना थाना सदर प्रभारी सुनील सांख्यान को दी गई। पुलिस ने उसका नाम पता जाना तो उसका नाम मंगल सिंह निवासी फतेहपुर सरकाघाट पाया गया, जो सदर पुलिस ने संजीदगी दिखाते हुए मंगल सिंह का मेडिकल करवाने की बजाय उचित समझा कि 3 वर्ष के बच्चों को परिजन के साथ रहने की ज्यादा आवश्यकता है, लिहाजा मंगल सिंह का पूरा पता सही पाने के बाद एक प्राइवेट गाड़ी लेकर फतेहपुर सरकाघाट के लिए रातों रात पुलिस की एक टीम मंगल सिंह के बच्चे को उसी गाड़ी में उसके घर छोड़कर आई। इससे पहले भी पिछले महीने एक महिला जो बग्गी क्षेत्र की रहने वाली थी, जब गलती से बस में बैठकर मंडी पहुंची तो रात 11 बजे सदर पुलिस को मिली, जिसे भी रातों रात पुलिस ने सरकारी गाड़ी के द्वारा उसके घर तक छोड़ा। पिछले शाम एक इन्फॉर्मेशन बस स्टैंड मंडी से सदर पुलिस में प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नशे की हालत में धुत बस स्टैंड पे पड़ा हुआ है, जिसपे मुख्य आरक्षी अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर पाया कि जो जिस व्यक्ति ने नशा कर रखा है उसके साथ एक 3 साल का बच्चा भी है। पुलिस ने मानवता के आधार पर उक्त बच्चे तथा उक्त व्यक्ति जो नशे में धुत था उसका एड्रेस ट्रेस करके डिटेल जानकारी हासिल की तथा पता चला कि उक्त व्यक्ति फतेहपुर सरकाघाट का रहने वाला है। रातों रात पुलिस ने एक गाड़ी हायर की तथा उक्त बच्चे को उसके पिता के साथ उसके घर पर ड्रॉप किया। इससे पहले भी सदर पुलिस 2 बार इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए काम कर चुकी है। एक महिला जो बग्गी क्षेत्र की रहने वाली थी, गलती से मंडी आ गई थी, उसको भी रात के समय उसके घर में ड्रॉप किया गया था, तथा एक फौजी व्यक्ति जो भर्ती होने के लिए उत्तराखंड गया हुआ था, रास्ते में एक ट्रेन से मिस हो गया था, उस दौरान भी पुलिस ने एक नेशनल पुलिस ग्रुप की मदद से उक्त व्यक्ति को उसके ठिकाने तक पहुंचाया था। कल सुबह मॉर्निंग टाइम में एक भिखारी जो हमारा नया पुल मंडी का है वहां बैठा हुआ पाया गया था, जिसकी हालात काफी दयनीय थी और विक्षिप्त हालत में था। उसके हालातों को देखते हुए उसे चौकी लाया गया, वहां पे उसे नहलाया गया, धुलाया गया, उसके कपड़े चेंज करवाए गए, उसकी दाढ़ी वगैरह बनवाई गई और इलाज के लिए उसको उसके पश्चात जोनल अस्पताल मंडी में जमा किया गया है। अभी उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। भविष्य में भी कोई अगर इस तरह का व्यक्ति हमें मिलता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।